नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस भारत। श्री राम मंदिर, सीएम योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की बड़ी धमकी, जांच में जुटी एजेंसियां। न्यूज 18 हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार धमकी भरा ईमेल आने के बाद देवेंद्र तिवारी ने यूपी 112 को एक्स ट्विटर पर टैग करके जानकारी दी थी। 27 दिसंबर की शाम को देवेंद्र को ईमेल भेजी गई थी। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। देवेंद्र को जुबेर खान नाम के शख्स की ईमेल आईडी से धमकी दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर और एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ईमेल भेजने वाले ने दावा किया कि वह आतंकवादी संगठन आईएसआई से जुड़ा हुआ है। धमकी का मामला सामने आने के बाद एटीएस और एसटीएफ जांच में जुट गई है। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। देवेंद्र को जुबेर खान नाम के शख्स की ईमेल आईडी से धमकी दी गई है। ईमेल करने वाले की तलाश में एजेंसियां जुट गई है। धमकी भरा ईमेल आने के बाद देवेंद्र तिवारी ने यूपी 112 को एक्स पर टैग करके जानकारी दी। 27 दिसंबर की शाम को देवेंद्र को ईमेल भेजी गई थी। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में तैयार हो रहे प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर पहले ही सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जा रही है। देवेंद्र तिवारी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 27 दिसंबर 2023 को दोपहर 2:07 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एसटीएफ के चीफ श्री अमिताभ यश जी और मुझे फिर से जुबेर खान नामक व्यक्ति द्वारा जान से मारने का ईमेल प्राप्त हुआ। इसको लेकर मैं इस खबर के साथ प्राप्त हुई ईमेल की फोटोकॉपी संलग्न करके शासन और प्रशासन से सुरक्षा और विशेष जांच की मांग करता हूं। यदि इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो शायद मैं ये मान लूँगा कि मेरा भी नंबर अब इन गैर समुदाय जिहादी व्यक्तियों द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। जल्द ही, बहुत जल्द ही मैं भी गौ सेवा के नाम पर शहीद हो सकता हूं। वहीं मामला प्रकाश में आने के बाद यूपी 112 के इंस्पेक्टर की तहरीर पर सुशांत गोल सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीआईएन न्यूज़।